फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 4, जिसमें आज हम कवर करेंगे अपनी बैक की मसल्स को। आज हम पूरी तरीके से अपने बैक मसल्स को हिट करेंगे अच्छे तरीके से। हम जितना कोशिश कर सकते हैं, हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जितना कवर कर सकते हैं हम करेंगे पूरी तरीके से। अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक जितनी होती है हम सारी कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला वर्कआउट काफ़ी अच्छा होने वाला है, जैसे बाकी सारे वर्कआउट हुए थे हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी पुलअप्स। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये एक्सरसाइज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप अपनी इंटायर बैक को, जो आपकी लैट्स मसल है, लैट्स और ट्रैप्स मसल, उसको पूरी तरीके से हिट कर लेते हैं। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ किस हिसाब से करना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसको शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर पकड़ेंगे। ये हमारे शोल्डर लेवल है, इससे हम थोड़ा सा बाहर पकड़ेंगे यहाँ से, और सिंपल है, फिर हम अपने आप को ऊपर को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। शोल्डर से आपको थोड़ा सा बाहर रखना है, जैसे आप ऊपर गए आपको होल्ड रखना है, अराउंड 2 सेकंड होल्ड रखिए, फिर नीचे लाइए। आपको इसको पूरी अच्छी तरीके से फील करके करना होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, अब मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है हमारी रोइंग। रोइंग यानी, जैसे अगर जिम की लैंग्वेज में बोले तो उसको कहते हैं डंबल रोइंग। हमें उसको डंबल से करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डंबल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये बैग अवेलेबल है, तो इसी से हम उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार किस हिसाब से करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने वेस्ट के बराबर या वेस्ट से थोड़ा ऊपर सा हो सकता है वो वाला बेस आपको चूज करना होगा। अपने हैंड, अपना एक हाथ इस पे रखना होगा जिसमें आपने वेट पकड़ा है, दूसरे हाथ से यहाँ पे आपने एक हाथ रखा, और एक तरह से रनिंग स्टैंड में आपको खड़े होना होगा। जैसे आप भागते हैं उस पोजिशन में आपको खड़े होना होगा। एक स्टेप आप आगे लेंगे थोड़ा सा, और जो आपका पीछे वाला पैर होगा वो हल्का सा बेंड रहेगा इस हिसाब से, और फिर आपको ऐसे बेंड और नहीं होना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अभी हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने आपको करके दिखाई। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप अपने बैग में बुक्स या फिर ईंटें अगर डालें तो इस हिसाब से डालें कि वो हैवी हो, अच्छा खासा हैवी हो। यानी मान के चलो 10 केजी के आसपास, 10 से 15 किलो के बीच में इसका होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक हाथ से पुल कर रहे हो और आपकी बैक मसल थोड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपके इसमें बाइसेप भी यूज़ हो रहा है, फोरआर्म्स भी आपका इसमें हेल्प कर रहा है, तो आपको 5-6 किलो इसमें पता नहीं चलेगा। आपको कम से कम आप मान के चलिए 15 किलो तो आप रखिए ही रखिए इसमें, 10 नहीं तो 15 केजी आपको रखना ही रखना है इसमें। तो 15 केजी रखिए, फिर दोनों हाथ से परफॉर्म करिए। मैंने आपको एक साइड से करके दिखाया है, तो दोनों साइड से आपको सेम परफॉर्म करना है, 15 रेप्स आपको करने होंगे। चलिए अब मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है वो है हमारी हाफ पुशअप्स। तो जो हाफ पुशअप्स होगी उसको कैसे करना होगा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा, अपने ये मिड बैक और मतलब अपनी जो मिड बैक था उसको पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वो कैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पुशअप पोजिशन में आना होगा। कैसे, देखिए, अब आपको ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाना होगा। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, सेम आपको इसी हिसाब से करना होगा। मैं कर क्या रहा था कि ये मेरे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, मैं इनको केवल ऐसे पीछे को रिट्रैक्ट कर रहा था। ये जो हमारे शोल्डर ब्लेड है, मैं केवल इनको पीछे को कर रहा था। ये है, ये मैं अपनी चेस्ट को पूरी तरीके से ओपन नहीं कर रहा था, मैं केवल शोल्डर है इनको पीछे को रोटेट कर रहा था। आगे से आगे को रोटेट करा और पीछे को इस हिसाब से। तो मैं जो अपने शोल्डर को बार बार रोल कर रहा था पीछे के साइड, तो इससे क्या हो रहा था, जो मेरी मिड बैक है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसका पूरा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो मेरी मिड बैक पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। चलिए अब मैं आपको जल्दी से फोर्थ एक्सरसाइज बताता हूँ हमारी। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है हमारी डब्ल्यू प्रेस, जो कि हमको फ्लोर पे करना होगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम आपको भी करना होगा। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी मिड बैक को टारगेट करने के लिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार किस हिसाब से होगी।
तो फ्रेंड्स अब जो हमारे बैक वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज आती है वो है हमारी सुपरमैन। उसको कैसे करना होगा हमको, उसको भी सेम हमको फ्लोर पे करना होगा। मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ, फिर एंड में हम जाते जाते जान लेते हैं कि हमें सारी एक्सरसाइज के कितने सेट और कितने रेप्स करने होंगे और किस तरह से करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि हमें हर एक्सरसाइज के कितने सेट और कितने रेप्स करने होंगे। और वैसे कि मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इनको भी आपको सर्किट में परफॉर्म करना है। तो सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी हमारी पुलअप्स, तो उसको आपको 12 लगाने होंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थी हमारी बैग से हमने रोइंग करी थी, बैग को लेकर के हमने कुछ इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म करी थी। तो उसमें क्या करना होगा, उसको हमें परफॉर्म करना होगा। अगर आपने वेट अच्छा खासा डाल रखा है, जैसे मैं वीडियो में बता रखा है, अगर आपने अच्छा खासा वेट डाल रखा है 15 किलो के आसपास, 15 से 12 किलो के बीच में अगर आपने वेट डाला है, तो आप 15 15 इसको परफॉर्म करें, क्योंकि वेट हैवी हो जाएगा तो थोड़ी आपको स्ट्रेंथ बचा के रखनी है, क्योंकि टोटल आपको 6 राउंड करने हैं इसके भी। तो इसलिए आपको इसमें वेट अगर आप हर सेट में इंक्रीज़ कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, कि बुक्स अगर आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, अगर आपके बैग में इतना स्पेस है उस हिसाब से वेट बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वेट इंक्रीज़ करिए। तो सिंपल है, आपको 15 15 करने होंगे अगर ठीक ठाक वेट है। अगर वेट ज़्यादा आप नहीं लगा सकते तो आप वेट कम रख के 20 रेप्स ही परफॉर्म करिए। तो फ्रेंड्स फिर अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है हमारे हाफ पुशअप्स। हाफ पुशअप्स हमने जैसे करी थी फ्लोर पर, हमने केवल अपने जो शोल्डर ब्लेड है इनको पीछे केवल स्क्वीज़ करा था, बैक करके हमने केवल इन पर फोकस करा था इस एरिया पर। तो इसको भी हमें सेम परफॉर्म करना होगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेम बहुत ईजी है पुशअप पोजिशन में आना है। इसको भी हमको 20 रेप्स पूरे अच्छे तरीके से करना होगा, एकदम बिल्कुल मसल एंड माइंड कनेक्शन करके, कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमको पूरा अपने मिड बैक पे आए। क्योंकि जैसे कि मुझे तो टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हैं, तो मुझे इम्पैक्ट आने लगता है फर्स्ट टाइम में, जैसे मैं स्क्वीज़ करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे कौन से मसल पे और किस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ये चीज़ आपको भी देखनी है, आपको भी पूरे ध्यान लगा करके थोड़ी देर अगर आप एक्सरसाइज जो परफॉर्म कर रहे हैं आप आंख बंद करके ही परफॉर्म करिए, तो आपको उस एरिया पे आपको पता चलने लगेगा कि जिस एरिया पे आपको टेंशन पड़ रही है मसल की। तो फ्रेंड्स अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है जो कि फोर्थ एक्सरसाइज थी वो थी हमारी डब्ल्यू प्रेस। तो जो डब्ल्यू प्रेस थी उसको कुछ इस तरह से करना होगा, मतलब हमने करा था कि उसमें ब्रिक्स लेकर के हमने प्रेस करा था, तो उसको हमको करना होगा कितने रेप्स, 20 रेप्स उसके भी करने होंगे, वो भी मिड बैक के लिए आपकी एक्सरसाइज है, मिड बैक की और लैट्स की। तो जो प्राइमरी मेन कह लीजिए, जब आप ऊपर जाते हैं तो हमारे लैट्स मसल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हमें हमारी लैट्स और मिड बैक इसमें दोनों के दोनों पे हमको इफेक्ट आ रहा है प्रॉपर, जो कि हमारी अदर मसल भी होंगी, रोम्बॉइड, सेरिस मेजर वगैरह, वो सारी भी इसमें कवर हो रही हैं, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट आ रहा है आपकी इसमें लैट्स मसल पे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको आपको 20 रेप्स परफॉर्म करने होंगे। तो फ्रेंड्स अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है वो है हमारी सुपरमैन। जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैंने पैर वाइड करके करा था और एक पैर क्लोज करके भी होती है। तो फ्रेंड्स जो पैर वाइड करके होती है तो उसमें क्या होता है कि मैंने ये बिगनर टाइप के करके दिखाया है, बिगनर और इंटरमीडिएट दोनों के में। जैसे मान लीजिए कई लोगों को इसमें अपने बॉडी को लिफ्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो पैर जैसे वाइड करा है तो उसको वाइड ही रखें तो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अगर आप क्लोज कर लेते हैं तो क्लोज में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। वाइड होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है पैर को लिफ्ट करने में, और पैर क्लोज होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इसीलिए आप पैर वाइड करके पहले ट्राई करें, अगर आप थोड़े स्ट्रांग हैं तो आप पैर क्लोज करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी आज की होम बैक वर्कआउट वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ।